हाय एवरीवन, मैं हूँ शंपा। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं मेथी को क्लीन कर रहा हूँ। और मेरे को मेथी एक्चुअली पहले पसंद नहीं आते थे, क्योंकि मेथी में कड़वापन लगता है। तो अभी क्या करती हूँ, अभी भी मेथी में कड़वापन तो रहता ही है। तो मेथी को मैं जब भी बनाती हूँ तो गरम गरम खाती हूँ। तो गरम गरम खाने में ना मेथी में जो कड़वापन रहता है वो उतना समझ में नहीं आता है। तो और मेथी का जो परोठा है वो बहुत जल्दी से बन जाता है, उतना झंझट वाला काम नहीं है। मतलब आलू के परोठा बनाओ, गोभी के परोठा बनाओ, तो उसमें पूर रेडी करो, उसके बाद बनाओ, तो बहुत झंझट वाला काम होता है मेरे को लगता है। क्योंकि हम लोग परोठा बहुत कम खाते हैं ना, तो इसीलिए पूर वाला परोठा मेरे को बहुत झंझट काम लगता है। तो मेथी परोठा बहुत ही ईजी हो जाता है, इसीलिए मैं बोल उनका भी बोलती हूँ, जो मेथी मिलता है तो अच्छी मेथी मिलता है तो तुम लेके आना। और इधर मेथी उतना महंगा भी नहीं है, सस्ता है। मतलब 10 रुपीज़ का लेके आया था। तो अभी मैं रात में मेथी के परोठे बनाऊँगी, और थोड़ा सा बचे हुए रहेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, पूरा दूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कल मैं आलू मेथी बनाऊँगी। मेथी को मैंने क्लीन कर दिया है, और पूजा का जो बर्तन था वो अभी मैं धो रहा हूँ। तो पूजा तो मेरा पहले ही हो चुका है, और अभी मैं बर्तन को धो के रख दूँगी, क्योंकि अभी धोऊँगी तो बर्तन सूख जाएगा, और कल धोने के लिए सोचूँगी। तो कल नहाने से पहले धोना भी अच्छा नहीं लगता है, फिर नहाने के बाद धोऊँगी, और फिर पूजा देने के टाइम बर्तन गीला रहेगा, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूजा देने के 2-3 घंटे के बाद ही मैं बर्तन को भी धो के रख देती हूँ। कल मॉर्निंग के टाइम डोसा बनाऊंगी, तो उसके लिए जो सब सामान चाहिए वो सब भी मैं ले रही हूँ। और मैं मूँगफली को भी रोस्ट करके रखूँगी। और मैं आज लंच का जो चावल था वो मैं थोड़ा बचा के रख दिया है, क्योंकि रात में जब मैं राइस और उड़द का दाल को पेस्ट करूँगी तो उस टाइम पे राइस के साथ मैं चावल को भी उसके साथ मिला के पेस्ट करूँगी। तो राइस बहुत अच्छे से पेस्ट होता है, और जो डोसा बनता है बहुत सॉफ्ट बनता है। और आप लोगों के पास राइस नहीं बचता है तो आप लोग पोहा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं जब भी डोसा बनाती हूँ ना, तब कोशिश करती हूँ जो राइस बचा के रखने के लिए। और मैं अभी मूँगफली को भी रोस्ट करके रखूँगी, तो कल मॉर्निंग के टाइम उतना मेरा झंझट नहीं रहेगा, जल्दी से मैं बना सकती हूँ। उड़द के दाल के साथ मैं मेथी और चना दाल को भिगो के रख रही हूँ, और राइस और उड़द का दाल मैं अलग अलग भिगो के रखती हूँ। तो अच्छे से मैं पहले क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं भिगो के रख दूँगी। और रात के टाइम जब मिक्सी करूँगी तो मैं अलग ही करती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक साथ मिला के रखती हूँ। तो अभी बिहान के साथ खेल रहा था, कि बिहान इस टाइम पे उठ चुका था, तो बिहान को थोड़ा टाइम दे रहा था। और उठने के बाद थोड़ा मूड ख़राब रहता है उसका, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उसके साथ खेल भी रहा था।
और इस टाइम पे उसके साथ मैं साइकिल साइकिल कर रहा था। वो जब छोटा था तब मालिश करने के टाइम साइकिल ऐसा कुछ करता था, तो उसको अभी मैं बोलती हूँ तो वो ये बोलता है मम्मा साइकिल करो, तो उसको साइकिल बहुत पसंद आया है तो वो बोलता है साइकिल करके स्कूल जाएगा। तो ये सब उसके साथ खेल रहा हूँ और फिर उसके बाद उसको मैं नाश्ता कराऊँगी और उसको पढ़ाना भी है। और अभी इस टाइम पे मैं बिहान को हाथ में ड्राइंग कर रहा था, तो उसको हाथ में बांस नहीं तो ट्रेन गाड़ी ड्राइंग करना है। तो अच्छे से नहीं ड्राइंग करूँगी तो रोना स्टार्ट कर देगा, कभी कभी अच्छा नहीं होता है तो रोना स्टार्ट करता है, मतलब उसका पसंद का हिसाब से बनाना पड़ेगा। मेथी और ग्रीन चिली को मैंने काट लिया है और आटा भी ले लिया है, तो इसमें मैं नमक हल्दी अजवाइन और कुटा हुआ अदरक डाल रहा हूँ। तो इससे पहले भी शायद मैं मेथी के परोठे आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मेथी के परोठे के साथ मैं टमाटो केचप के साथ खा लेती हूँ, बट बोरुन को टमाटो केचप अच्छा नहीं लगता है तो अचार नहीं तो दही से खा लेता है। मेरे को दही से भी अच्छा लगता है बट मेरे पास अभी दही नहीं है, तो बोरुन तो अचार से खा लेगा और मैं केचप से खाऊंगी। और बिहान भी केचप से पसंद करते हैं, बट बिहान का पसंद आज ये पसंद होता है तो कल वो नहीं पसंद होता है, ऐसा होता है। तो वो देखते हैं क्या खाते हैं, नहीं तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन निकालना पड़ेगा। और आज का वीडियो भी मैं यही एंड करने लगी हूँ, मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय।